सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से ये वीडियो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका जो डिसीजन ऑस्ट्रेलिया आने का उसको मेक या ब्रेक कर सकता है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट नॉट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। और ऐसी चीज़ें मैंने भी किसी और चैनल पर सुनी भी नहीं, क्योंकि जब आप एक एस्पायरिंग स्टूडेंट होते हो, आपको बाहर से ऑस्ट्रेलिया आना होता है, आप ना एक बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि भाई ऑस्ट्रेलिया ऐसा होगा, ऑस्ट्रेलिया वैसा होगा, एंड जब आप ऑस्ट्रेलिया आ जाते हो वो चीज़ उसकी बिल्कुल उल्टी निकलती है, एंड दैट कैन हैम्पर योर फ्यूचर प्रोग्रेस। ऑस्ट्रेलिया आना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बंदे फंड्स इकट्ठा करते हैं, बंदे अपनी लाइफ छोड़ के यू नो, किसी कंट्री में जहाँ आप रहे हो, जहाँ आप शुरू से बॉर्न ब्रॉट अप हो, वहाँ से लाइफ छोड़ के एक नई कंट्री में आके सेटल होना जस्ट फॉर यू नो हैविंग अ बेटर लाइफ, इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। एंड काफी लोग इस चीज़ को छुपा रहे हैं, नोबडी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की करंट सिचुएशन 2024 में कैसी है। इन द पास्ट टू ईयर्स द सिचुएशन हैज ड्रास्टिकली चेंज। जो प्री कोविड में टाइम था और जो आज का टाइम है उसमें भाई कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। द थिंग इज कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, अकोमोडेशन के क्राइसिस हो रहे हैं। तो भाई ऑस्ट्रेलिया की जो डार्क साइड है, जो कोई भी पोर्टर नहीं कर रहा है इस समय, बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड बी थिंकिंग अबाउट। मिसकंसेप्शन किसी और कंट्री के बारे में होना भी अच्छी चीज़ नहीं है। आप कुछ सोच के आओगे, यहाँ पे आओगे, यू विल बी मोर देन डिसअपॉइंटेड। ठीक है, डिसअपॉइंटेड तो फिर भी एक छोटा टर्म है। आप स्ट्रगल करोगे, आपको होम सिकनेस हो जाएगी एंड यू विल बी रियली स्ट्रेस्ड, और ये मैं बात करूँ मेंटल स्ट्रेस होना। तो इस चीज़ को भी आप अवॉइड कर सकते हो टू नो द करंट सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जैक्ट करंट रियलिटी चेक देने वाला हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में सिचुएशन कैसी है बेस्ड ऑन दीज फाइव थिंग्स। ठीक है, तो फाइव थिंग्स जो हम डिस्कस करने वाले, दैट इज इन्फ्लेशन स्लैश कॉस्ट ऑफ लिविंग, द अकोमोडेशन प्रॉब्लम इन ऑस्ट्रेलिया, द एकेडमिक प्रेशर इन ऑस्ट्रेलिया, द वर्क लाइफ बैलेंस जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेंटेन नहीं कर पाते, एंड फाइनली जो की है जॉब्स। ठीक है, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो एट टिल द वेरी एंड, और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपको डिसीजन बनाने में कि ऑस्ट्रेलिया इज द राइट डेस्टिनेशन फॉर यू और नॉट। तो इसमें हम सिर्फ स्टूडेंट्स के परस्पेक्टिव से बात करेंगे, जो यहाँ पे PR है उनका अलग सिस्टम है, जो TR है वो अलग सिस्टम पे है, बट ये वीडियो उनके लिए जो ऑस्ट्रेलिया अभी तक नहीं आए हैं और आने का प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, एंड दिस इज प्रोबेबली द बिगेस्ट फैक्टर जो आपका डिसीजन बनाने में या ब्रेक करने में हेल्प कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया इज एन एक्सपेंसिव कंट्री, सबको पता है, बट सिंस 2021 एवरीथिंग हैज रिजन। जिसके मर्जी कॉस्ट उठा लो, चाहे वो आपकी बेसिक अम्यूनिटी हो, चाहे वो आपका दूध हो, ब्रेड हो, फ्यूल हो, एवरीथिंग हैज गॉन सुपर एक्सपेंसिव। और ये एक वेल नोन फैक्ट है कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो इन्फ्लेशन रेट है, दैट इज अमंग सम ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। और लोएस्ट होने के बावजूद इनके जो प्राइस है वो बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज होते गए हैं इन द ईयर 2023, 2022 एंड इवन 2021। तो इससे क्या होता है, आपका जो पूरा जो कैश का बैलेंस होता है ना, वो बिगड़ जाता है। अगर आप अज्यूम करके आए हो कि भाई मेरा सिर्फ $10,000 से $12,000 का खर्चा होगा पूरे साल में, तो भाई आप उसको इजीली आज के रेट में यू कैन इवन मल्टीप्लाई दैट बाय 2 or 2.5। तो अगर आपका 2-3 साल पहले 10,000 में गुजारा हो रहा था, आज की रेट में भाई आपको 20 से 25,000 रुपये ज़्यादा दिखाने पड़ेंगे। सो इस सब का वीज़ा भी इफेक्ट होता है कि आपको ज़्यादा फंड्स दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप COE अप्लाई करते हो, एक तो आपको फीस पे करनी होती है, एंड यू हैव टू जस्टिफाई योर लिविंग एक्सपेंस फॉर द नेक्स्ट 2 years or 3 years, जितने भी देर की आपकी स्टडी है। हर चीज़ महंगी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, और ये आगे जाके और वर्स होने वाले, क्योंकि इसका ऐसा साइन नहीं है कि जिसमें मैं आपको बता सकूं कि भाई ये चीज़ कम हो रही है कि नहीं हो रही। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, जो लोग यहाँ पे काफी टाइम से रह रहे हैं, जो लोग यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, ठीक है, जो वेल सेटल्ड हैं, जो 20-22 साल से रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो खुद कह रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इतना बढ़ गया कि हम ही कोप अप नहीं कर पा रहे। तो स्टूडेंट्स का नंबर तो बहुत बाद में आता है। स्टूडेंट्स हैव लिमिटेड टाइम, दे हैव लिमिटेड जॉब, दे हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ फाइनेंस, और ये सब चीज़ें टैकल करना भाई हर किसी के बस की बात नहीं होती। पीपल कैन ईजिली गेट स्ट्रेस्ड, पीपल कैन ईजिली गेट फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड, मेंटली स्ट्रेस, और ये जो होगा हर चीज़ आपका जो एक्सपीरियंस होगा ऑस्ट्रेलिया का उसको बहुत ही डाउनग्रेड कर देगा। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो मेक श्योर कि आपके माइंड में पता हो कि हर चीज़ आपको सुपर एक्सपेंसिव लगने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इंडिया या फिर आसपास की नेबरिंग कंट्री से आ रहे हो, तो डॉलर का रेट ऑलरेडी 55 रुपीज़ टच हो चुका है। इस चीज़ को फैक्टर करते हुए हर चीज़ आपको 2-3 गुना एक्सपेंसिव लगेगी, एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर अगर आप अच्छे सेविंग नहीं कर पा रहे, इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आप क्लोज टू बैंकरप्सी आ जाओ। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको पता हो कॉस्ट ऑफ लिविंग है और जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हाई है, और ये चीज़ आप यहाँ पे आके फेस कर सकते हो। द सेकंड थिंग आई वांट टू डिस्कस अबाउट इज ऑब्वियसली अकोमोडेशन। इस पे हर बंदा डिस्कस कर रहा है, चाहे वो इमिग्रेशन वाले हों या और यूट्यूबर्स, एंड इवन जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यू कैन इवन आस्क देम दैट अकोमोडेशन इज अ बिग चैलेंज। इवन फॉर मी, अगर मैं आज की डेट में घर देखना स्टार्ट करूँ अपने लिए, चाहे मैं अपने दोस्तों के साथ देखूँ, चाहे मैं 5 बेडरूम देखूँ, 4 बेडरूम देखूँ, अकोमोडेशन भाई अवेलेबल ही नहीं है। एक होता है कि अकोमोडेशन के लिए कॉम्पिटिशन है, वो तो ऑब्वियसली है, बट मार्केट में इतनी प्रॉपर्टीज अवेलेबल ही नहीं है, तो बंदा क्या करेगा। अगर आपको लग रहा है कि यार 10-12 घर मेरे को मिल रहे हैं, अवेलेबल होंगे तो आप अप्लाई करोगे ना। अगर अवेलेबल ही नहीं होंगे मार्केट में, जैसे अगर 100 घर हैं फॉर एग्जाम्पल, उसमें से 99 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं,
एक घर बचा हुआ है, उसके लिए 20 से 25 फैमिलीज अगर फाइट कर रही है तो कॉम्पिटिशन कैसे मिलेगी? दिस इज नॉट जस्ट टू डीमोटिवेट यू कि आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं आना चाहिए, बट ये चैलेंजेस आर रियल, दिस इज द डार्क साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और आपको पता होना चाहिए कि अकोमोडेशन स्ट्रगल्स आएंगी आगे जाके और ज्यादा आएंगी। तो आप अगर आप प्री बुक करके आ रहे हो अपने अकोमोडेशन, देन इट्स टोटली फाइन, बट इफ यू एक्सपेक्टिंग कि मैं ऑस्ट्रेलिया आऊंगा, पर्थ आऊंगा और यहाँ से आके मैं अकोमोडेशन ढूंढना चालू करूंगा, तो भाई वो बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। सो मेक श्योर यू आइदर प्री बुक योर अकोमोडेशन, और अगर मिल जाती है तो भाई जितना मर्जी पैसे देने को आपको रेडी होना पड़ेगा। जैसे अगर एक कमरा पहले अगर 140 150 पर वीक का मिल रहा था, तो आज के रेट में वो आपको 300 350 इवन $400 पर वीक का भी लेना पड़ सकता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए आने से पहले, ताकि आपकी होप्स जो है वो शैटर ना हो यहाँ पे आके। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी टिप देना चाहूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया में। रिसेंटली जितने भी चेंजेस आए हैं, चाहे इमिग्रेशन में हो, माइग्रेशन में हो, स्टूडेंट वीजाज में हो, उन सब में इंग्लिश रिक्वायरमेंट की जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा दी गई है। क्यों बढ़ा दी गई है? बिकॉज जो भी लोग यहाँ पे आते हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम आर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द कंट्रीज, उनको इंग्लिश ढंग से नहीं आती और उनका लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं होता, और भाई मैक्सिमम लोग इंग्लिश सीख नहीं पाते बिकॉज उनके पास सही गाइडेंस नहीं है और सही ट्यूटर्स नहीं मिलते। तो इसीलिए कैम्बली जो ऐप है, इसके थ्रू अगर आप इंग्लिश सीखते हो, दिस इज फार बेटर देन एनी अदर कॉम्पिटिशन दैट आई हैव सीन, एंड ये चीज मैंने खुद यूज किया है, एंड तब जाके ही मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। वी नेवर प्रमोट एनीथिंग ऑन द चैनल जो हमने खुद कभी ट्राई ना किया हो। तो कैम्बली को के थ्रू आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, आप उनकी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो, एंड आप उनका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। सो ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस विद नेटिव स्पीकर्स, इसमें एडवांटेज क्या रहता है कि जब आप कोई बंदा आपको जो इंग्लिश सिखा रहा है, अगर वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हुआ है, तो इंग्लिश बिकम्स हिज फर्स्ट लैंग्वेज एंड वो उसकी नेटिव लैंग्वेज होती है, और वो आपको जो सिखा सकता है, जिस लेवल का सिखा सकता है, वो कोई नहीं सिखा सकता। इंडिया में बंदे होंगे, पढ़ेंगे फिर सिखाएंगे, खुद पढ़ेंगे फिर सिखाएंगे, बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एप्स दैट हैव कम अक्रॉस टू लर्न एंड इम्प्रूव इवन माई इंग्लिश। तो इसमें आप जा सकते हो इनकी वेबसाइट पर, आप इनके ट्यूटर देख सकते हो, ठीक है। ट्यूटर्स में यू कैन सी विच कंट्री आर दे फ्रॉम, कहाँ से उनके रिव्यूज आए हैं और उनके क्या नीचे कहाँ से उन्होंने सर्टिफिकेशन किए हैं। तो यू कैन ईजिली चूज वॉट ट्यूटर डू यू वॉन्ट, आप उनसे अपनी क्लासेस फिक्स कर सकते हो और आप उनको बता सकते हो कि ये मेरे वीक एरियाज हैं, इन जगहों पर मुझे हेल्प चाहिए। देन यू कैन गो ओवर टू द कोर्सेज टैब, और आप कोर्सेज में चेक कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं, जो भी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको बेटर लगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विद द क्लासेस आप अपने हिसाब से क्लासेस एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको मॉर्निंग में चाहिए मॉर्निंग में ले सकते हो, अगर आपको इवनिंग में चाहिए इवनिंग में ले सकते हो, अगर आपको एक क्रैश कोर्स की तरह बहुत सारी क्लासेस कंपाइल करनी है वो भी कर सकते हो। आप अपना इंग्लिश लेवल चूज कर सकते हो कि मेरे को बेसिक पे करना है, इंटरमीडिएट पे करना है, हार्ड पे करना है। सो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड, क्योंकि ये मैंने ऐसी चीजें जो मैंने खुद ट्राई की है, कि अगर आप इंग्लिश में लैग बिहाइंड कर रहे हो और आपको एक ऐसा एक ट्रस्टेड सोर्स चाहिए और आपको एक गाइडेंस चाहिए, देन मेक श्योर यू गो टू देयर वेबसाइट, डाउनलोड देयर ऐप, और एक डिस्क्रिप्शन में बहुत जेन्युइन सा लिंक होगा, आप उस लिंक के थ्रू एक अच्छा डिस्काउंट भी प्रिवेल कर सकते हो। एंड आई एम प्रीटी श्योर एक बार अगर आपने कैम्बली की सर्विसेज यूज की, यू विल कीप गोइंग बैक टू इट अगेन एंड अगेन। थर्ड थिंग जो मैंने खुद काफी एक्सपीरियंस किया था, दैट इज द एकेडमिक प्रेशर इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये स्पेसिफिकली मैं यूनिवर्सिटीज वालों के लिए बोलूंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी बहुत हाई होता है, एंड द मेथड्स ऑफ स्टडिंग आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट। बहुत छोटा एग्जाम्पल लूंगा, मैंने इंडिया से कॉलेज किया, दिल्ली से किया, वहाँ पे थियोरेटिकल लर्निंग थी, ठीक है, 95% वॉज थियोरेटिकल लर्निंग, कोई ऑन फील्ड प्रैक्टिस नहीं थी, कोई प्रैक्टिकल नहीं था, इवन दी आईटी सब्जेक्ट्स थियोरी से पढ़ाए जाते थे। यहाँ पे आके आपको नोटिस करोगे कि द एजुकेशन सिस्टम इज टोटली 180 डिग्रीज ऑपोजिट। यहाँ पे टोटल फोकस होता है प्रैक्टिकल लर्निंग पे, एंड सम ऑफ द स्ट्रीम्स दैट यू चूज आर 100% प्रैक्टिकल। मतलब अगर आपने आईटी का कोई हार्ड कोर आईटी का कोर्स लिया है जिसमें प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, माइनिंग ये सब है, उसमें आपको 110% टाइम आपका प्रैक्टिकल में जाएगा, नॉट द थियोरेटिकल थिंग्स। ये चैलेंज है जो काफी लोग फेस करते हैं, क्योंकि द स्टडी सिस्टम एंड द एजुकेशन सिस्टम इज टोटली डिफरेंट। आपको कोप अप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर आपने इंडिया में माना बहुत अच्छे एकेडमिक स्टूडेंट थे, यहाँ पे भी बन सकते, कोई दो राय नहीं है, बट द वे ऑफ एजुकेशन, द वे ऑफ टीचिंग इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे कोई आप पे टाइम जाया नहीं करता, किसी को परवाह नहीं है कि आप पास हो रहे हो फेल हो रहे हो, आपकी पढ़ाई आपके अपने ही हाथ में है, और अगर आप अच्छे से खुद सेल्फ स्टडी करके पास कर सकते हो देन ऑल द बेस्ट। बट अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया से मिलता जुलता एजुकेशन सिस्टम होगा, मैं कोप अप कर लूंगा और यहाँ पे पास हो जाऊंगा आसानी से, तो भाई आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम इज कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड इसको कोप करना इज नॉट मेड फॉर एवरीवन। फोर्थ चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, विच इज द वर्क एंड लाइफ बैलेंस। अब बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है ऑस्ट्रेलिया आते हैं, स्पेशली फाइनेंस। आपको पता होगा 2-3 महीने पहले गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाई है वर्किंग आवर्स के ऊपर, जहां पहले लोग अनलिमिटेड काम कर रहे थे, वहां पे आई थिंक ओनली 24 आवर्स आप काम कर पाओगे पर वीक, विच इज नॉट इनफ, विच इज नॉट इवन क्लोज टू बीइंग इनफ। अगर आपको एक बहुत अच्छी से अच्छी पेइंग जॉब भी है
बट आप सिर्फ हफ्ते के 24 से 25 घंटे लगा रहे हो, मैक्सिमम आपका अमाउंट बन पाएगा 700 से 750 डॉलर पर वीक। माना आपने 700 डॉलर पर वीक कमा लिया, उसमें से आपका बहुत सारा अमाउंट चले जाएगा रेंट में। तो मेरे हिसाब से दैट इज नॉट फीजिबल, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और आपकी इनकम कम हो रही है। आप समझ रहे हो रिलेशन को? अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो आपकी इनकम भी बढ़नी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए सब कुछ, टू हैव अ गुड एंड ईजी लाइफ। बट यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना भाई बहुत टफ होता है, स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं। आप लोग एम करोगे कि ठीक है मैं इतना पैसे कमा लूंगा तो आपकी पढ़ाई सैक्रीफाइस होगी, और अगर आप पूरा टाइम अगर आपकी पढ़ाई को दोगे तो आपका फाइनेंस सैक्रीफाइस होगा। तो यू नीड टू, इट्स रियली टफ टू फाइंड अ वर्क लाइफ बैलेंस इन ऑस्ट्रेलिया एज अ स्टूडेंट, क्योंकि दोनों केसेस में जिस पर आपने ज्यादा फोकस किया दूसरी चीज ऑटोमेटिकली सफर होगी। जिस टाइम आपने सोचा मेरे को फुल फोकस पढ़ाई पे करना और काम नहीं करोगे, आपका फाइनेंस सफर होगा, ड्रास्टिकली सफर होगा। और अगर आप सिर्फ काम में लग गए, सिर्फ जॉब्स में लग गए, तो आपका एकेडमिक बहुत ज्यादा सफर करेगा एंड इट्स वेरी इजी टू फेल इन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की तरह नहीं है कि यार आपने 33% लिया और आप पास हो जाओगे, यहाँ पे 55% इज द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में डिस्टिंक्शन को ही पास मानते हैं। तो आप ये देख के आना कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनकी एजुकेशन जो है, उनका जो कोर्स है उसमें कितना टाइम रिक्वायर्ड है पर वीक। यहाँ पर वीक के हिसाब से चलता सब कुछ। आप ये नहीं कर सकते कि मैंने 3 महीने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, 4th महीने में पढ़ के पास हो जाऊंगा, ये चीज नहीं होने वाली। मेक श्योर की दैट इन माइंड। 5th थिंग जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द जॉब्स। आज की मार्केट में जॉब्स बहुत कम है, एंड दिस इज एन एग्जांपल, यू कैन टेक फ्रॉम एनी सिटी, यू कैन टेक ब्रिस्बेन, यू कैन टेक मेलबर्न, यू कैन टेक सिडनी, यू कैन टेक पर्थ, एडलेड, डार्विन, जो मर्जी सिटी उठा लो, जॉब्स अवेलेबल नहीं है। क्योंकि पहले जो जॉब्स ज्यादा थी, बंदे कम थे, सब सिचुएशन अलग थी। आज की डेट में भाई बंदे इतने ज्यादा आ गए हैं, एंड दिस इज अ स्टैट दैट आई जस्ट फाउंड आउट, पिछले 3 महीने में 80,000 से ज्यादा बैकपैकर्स सिर्फ पर्थ में आए हैं, सिर्फ पर्थ में। कैन यू बिलीव दैट? 80,000 बैकपैकर्स हैव कम एंड गॉन ओनली फ्रॉम पर्थ, क्योंकि यूरोप से अगर आप देखो तो पर्थ सबसे क्लोज पड़ता है। तो ये सब भी जॉब्स ले रहे हैं लोग, स्टूडेंट्स हैं वो भी जॉब्स ले रहे हैं, जो परमानेंट बंदे हैं वो भी जॉब ले रहे हैं। तो भाई जो एक लेम मैन बंदा है, जो स्टूडेंट कल आया है, आज उसको जॉब कैसे मिल जाएगी? तो दीज 5 फैक्टर्स आर नॉट बींग डिस्कस्ड एज मच दिस शुड बी, क्योंकि यार एक यूट्यूबर अगर आप हो, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपका काम है कि आपको लोगों को रियलिटी दिखानी है, सच बताना है, अच्छी लाइफ, लग्जरी लाइफ, फालतू की चीजें भाई हर कोई दिखा सकता है, मैं भी दिखा सकता हूँ, नॉट डिसएग्रीइंग, बट ये 5 चीजें आपको पता होना चाहिए बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि भाई हर चीज महंगी मिलेगी मेरे को, अकोमोडेशन इजीली नहीं मिलेगी, एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत टफ होगा, एंड जॉब्स मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 30-35 जॉब जाके अप्लाई करोगे तो शायद आपको एक में से रिप्लाई आ जाएगा। तो दीज थिंग्स आर नॉट टू डिमोटिवेट यू, बट कोई भी बंदा जो आ रहा है उसके पास एक ट्रू पिक्चर होनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में आज की डेट में 3 मार्च 2024 सिचुएशन क्या है। एंड ये कंटेंट आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा बिकॉज नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस। दैट्स व्हाई मेरे को लगता है मेरी जिम्मेदारी है ट्रू पिक्चर दिखाना। एंड इफ यू डिड फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर यू पॉप इट डाउन इन द कमेंट्स। अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज के बारे में, पूछना है कि यार इसका सीन क्या चल रहा है, इसका सीन क्या चल रहा है, मोर देन हैप्पी टू मेक अनदर वीडियो अबाउट इट। बट लोगों को मिसलीड नहीं करना चाहिए, किसी को भी, नॉट जस्ट मी, एनीवन ऑन द प्लेटफॉर्म शुडंट बी मिसलीडिंग द स्टूडेंट्स इन बिलीविंग कि ऑस्ट्रेलिया की लाइफ ऐसी है। आप बिलीव कर लोगे, आप यहाँ पे आ जाओगे, बट यहाँ पे आके जो आपकी लगने वाली है ना, उसको बेयर सिर्फ आप करोगे, सिर्फ आप, कोई आपका फ्रेंड आपकी तरफ से उसके ना मदद नहीं करने वाला। तो मेक श्योर यू नो दिस, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स जो आने का प्लान कर रहे हैं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।